हिंदू रतन का बलिदान दिवस बड़े श्रद्धा भाव के साथ आप देख रहे हैं। सिंधी समाज के साथ साथ सर समाज बना रहा है और आज 78वें बलिदान दिवस पे सभी ने ये संकल्प लिया है कि अब कोई भी हो, चाहे अपने कालानी जी के साथ साथ सर जितने भी जिन्होंने देश की कुर्बानी दी थी, देश के लिए मर मिटे थे, उनका जन्मदिन और बलिदान दिवस मनाना है। आज सिंधी पंचायत शाहगंज के तत्वाधान में ये कार्यक्रम मनाया गया है और सभी युवा एकत्रित होकर यहाँ पे सभी ने हेमू कालानी जी के चित्र पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आज इस तहसील चौराहे पर शाहगंज में, जिसको हेमू कालानी चौक भी कहा जाता है, उस पर हेमू कालानी जी का श्रद्धांजलि दिवस आज पूरे सिंधी पंचायत ने आयोजित किया है। उसमें पूरे समाज, जितने भी समाज हैं, सब जुड़कर आए हैं। सारे संगठनों के लोग जुड़कर आए हैं और सब पंचायतों के लोग भी आज जुड़कर आए हैं, सेवाधार हैं, समाज सेवी भी हैं। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, सभी में हर्षोल्लास है और एक जोश है, अलग तरंग है और सभी के मन में ये आस्था है कि जिस प्रकार से हेमू कालानी जी ने 1943 में केवल 20 वर्ष की आयु में अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपने देश के खातिर अपने जीवन को कुर्बान किया, अपने जीवन का त्याग किया है, उसी प्रकार हमें भी कोई सेवा का अवसर मिले तो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा जोश मैं सब में देख रहा हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हेमू कालानी जी को अपने श्री चरणों में वास देकर उन्हें परम पद की प्राप्ति भी करवाएं। क्या कुछ आज कार्यक्रम रहा पूरा? भारत सरकार को फिरंगी सरकार की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने में अल्प आयु में अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले 19 वर्षीय युवा क्रांतिकारी वीर सपूत अमर शहीद हेमू कालानी का 78वां बलिदान दिवस पूर्व सिंधी पंचायत और पूर्व सिंधी युवा मंच के तत्वाधान में पूर्व वर्षों की भांति उनकी प्रतिमा पर यहाँ मनाया जा रहा है और आज यहाँ पे फल वितरण का कार्यक्रम भी हुआ है। हमारे गुरुजी जो योगी रुद्रनाथ जी हैं, उन्होंने माल्यार्पण किया, सभी ने वीर सपूत को यह श्रद्धांजलि दी है। निश्चित रूप से ऐसे युवा क्रांतिकारी को जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, हमको भी देश के लिए कुछ कर जनाने की चाहत होनी चाहिए। ऐसे वीर सपूत को बार बार नमन, सत सत नमन। ऊपर आए हो सब लोग? इस वीर सपूत के इस 78वें बलिदान दिवस पर आकर के जो उनको नमन किया है, अपनी भाव श्रद्धा सुमन अर्पित किए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धर्मानी जी धन्यवाद दें। तमाम ऐसे हमारे निशांत चतुर्वेदी जी जो युवा अधिवक्ता हैं और कई समाज सेवा संगठनों से जुड़े हैं, उनका भी हम इस कार्यक्रम में आए हैं। हमारे राजेंद्र उप्रेती जी, जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।